यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब जो न्यूली वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, यहाँ पर उपस्थित महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्षा चारुलता तोकस जी, हमारे बीच में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से आई हुई संध्या जी, आकांक्षा जी, दूरी जी, भावना जी, सूजी बहन शाह, हमारी सोशल मीडिया से चित्रा पाठक जी, यहाँ पर जितनी भी तालुका से या डिस्ट्रिक्ट से, जिले से या स्टेट बॉडी से जो हमारे ऑफिस बेयरर्स आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है करीब एक महीने पहले मैं यहीं आई थी, दो महीने पहले, और बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे लगता है उस दिन ये हॉल आज से भी ज़्यादा भरा हुआ था। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उस मीटिंग में भी आए और आज इस सभा में भी आए हैं। मुझे मुजफ्फर साहब का भाषण बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें समझाया कि संगठन का काम आने वाले विधानसभा चुनाव में हमने किस तरह से करना है। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी, मैं चाहती थी कि आप सबसे एक बार मिलूं और सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों ने मेहनत की है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। रिजल्ट कैसा भी हो, चाहे हम जीते हैं चाहे हम हारे हैं, पर मेरा ये विश्वास है कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, आप लोगों ने फ्लड के वक्त या बाढ़ के वक्त जो काम किया उस पर मुझे गर्व है, और मैं चारुलता जी को कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया, इस सबको मंच पे बुलाकर उनको सम्मान दिया, क्योंकि अच्छे काम और मेहनत जो करते हैं उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आपकी विधानसभा के चुनाव शायद अक्टूबर में घोषित है, अक्टूबर मिड अक्टूबर में दिवाली से पहले चुनाव आने वाले हैं। अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि क्यों ना हम महिला कांग्रेस हर क्षेत्र में काम करेगी, पर जहां कॉन्टेस्ट है 50 से 60 सीटें वहां पर हमको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब बड़ी कोई सभा होती है, रैली होती है जिसमें राहुल जी आते हैं, सोनिया जी आते हैं, बड़े लीडर्स आते हैं, उसमें अगर 50,000 लोग हो या 3 लाख भी लोग हो, ओनली 20 से 25 या 30% भीड़ में महिलाएं होती हैं। इसका मतलब कि 80 से 90% महिला अपने घर में है। दूसरा आंकड़ा, आप विधानसभा का चुनाव देखें, आप लोकसभा का चुनाव देखें, हर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हर आंकड़ा यही कहता है कि महिलाओं की संख्या जो वोट डालने आती है वो पुरुष के बराबर है, और अध्यक्ष जी ने कहा कि 50% पॉपुलेशन इज विमेन। इसका मतलब कि महिला का जो वोट है कांग्रेस पार्टी को ही, मैं मानती हूं कि हमें एक सोच में हमारे अंदर लाना है कि विमेन वोट बैंक इज अ सेपरेट वोट बैंक। हम जैसे कास्ट वाइज वोट बैंक देखते हैं, कभी कभी रिलीजन वाइज हम वोट बैंक की बात करते हैं कि किस कास्ट की कितने वोटे हैं किस क्षेत्र में, पर मैं ये मानती हूँ कि महिला एक अलग वोट बैंक है, और ये 100% मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, मैं सांसद थी, मैं 3-4 चुनाव लड़ी हुई हूँ, कि महिला का वोट जो अपने घर में बैठी है वो महिला का वोट सिर्फ एक महिला ही ला सकती है। जब यूथ कांग्रेस की युवा दोस्त या पीसीसी डीसीसी के हमारे पुरुष कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं या रैली करते हैं, उनका ध्यान हमेशा पुरुष के वोट पे होता है। डोर टू डोर अगर आप किसी के दरवाजे पे जाते हो, एक पुरुष को तकलीफ होती है कि एक महिला को बुला के बोले हमें वोट दो, वो काम सिर्फ महिला कांग्रेस कर सकती है। और महिलाओं का वोट लाने के लिए आप बड़ी रैलीज में कभी
आंखों नहीं देखोगे, क्योंकि भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, बसों में आना पड़ता है, कम महिलाएं आती हैं, घर का काज होता है या कोई खेतों में काम काज करते हैं। इसलिए महिला वोट को अगर टैप करना है, हमें अपने कैंपेन को रिवर्स करना पड़ेगा। बड़ी रैलियों में जोर ना देकर आपको डोर टू डोर कैंपेन में जोर देना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या इतिहास है महिला सशक्तिकरण में और बीजेपी का क्या है वो हम सबको पता है। कुछ अच्छी बातें हमें अध्यक्ष जी ने कहा है और ये बात तय है कि अगर एंटी वुमन या नारी शक्ति के खिलाफ अगर कोई सोच है वो आरएसएस की सोच है, यूपी 100% श्योर। ये लोग निर्मलास्ता रमन जी को दिखाते हैं, सुषमा स्वराज जी को दिखाते हैं, स्मृति ईरानी जी को दिखाते हैं, पर अगर आप आरएसएस की इतिहास को देखेंगे, जब आरएसएस ने कहा था, आरएसएस की महिलाओं ने कहा था कि हमें एक शाखा की तरह या महिला विंग बनाने की हमें आप आज्ञा दीजिए, तो आरएसएस के जो हेड थे तब उन्होंने कहा था ये मुमकिन नहीं है। सो इमेजिन आरएसएस के अंदर, आरएसएस की हिस्ट्री में है कि महिलाओं का कोई विंग उन्होंने बनाने नहीं दिया। जब महिलाओं ने कहा कि हमें शाखा में ट्रेनिंग दीजिए, कहते ये महिलाओं के लिए यहाँ ट्रेनिंग नहीं है। कांग्रेस की जितनी भी ट्रेनिंग है उसमें आपने कभी देखा है कि महिलाओं को मना किया जाता है कि यहाँ मत आइए? नेवर। बट आरएसएस में होता है। आरएसएस में अगर आप मनुवाद सोच की स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि नारी की क्या स्टेटस है आरएसएस की सोच में। देयर इज नो प्लेस फॉर वुमेन इन आरएसएस। आप महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है शायद महाराष्ट्र से बीजेपी, मैं जब छत्तीसगढ़ जाती हूँ कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग अगर 10 लोगों को आप पूछेंगे कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है या कौन थी, कोई ना कोई 10 में से 7 लोग बोलेंगे सुष्मिता देव है या शोभा ओझा जी थी। पर आप अगर साउथ में जाकर या नॉर्थ ईस्ट में जाकर या गुजरात जाके पूछेंगे बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कौन है, कोई बता नहीं पाएगा, बिकॉज शी हैज नो आइडेंटिटी। प्लीज बिलीव मी, आप लोग जो कांग्रेस में शामिल है, महिला कांग्रेस में शामिल है, आपका जो परिचय है, आपका जो रिकग्निशन है वो किसी और पार्टी से उसकी तुलना नहीं होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं हर मीटिंग में ये कहती हूँ, आप लोग जब धूप में हो, बारिश में हो, पैदल चल के हो, फ्लड के लिए काम करते हैं, वोट के लिए काम करते हैं, कभी ऐसा वक्त होगा आपको लगेगा कि किसी को मालूम भी है कि मैं काम कर रही हूँ, कोई देख भी रहा है कि मैं डोर टू डोर जा रही हूँ 4 घंटे 5 घंटे। आप लोग कभी मत सोचना कि आपकी काम की इज्जत और पहचान नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कितना भी बड़ा नेता जब हम उसको टिकट देते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 250-300 बूथ है या एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1200-1600 बूथ है, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो हर बूथ में जाके सभा कर सकता है, अपना वोट मांग सकता है। तो वो वोट जब ईवीएम मशीन हम खोलते हैं और हर सेंटर में कांग्रेस का वोट होता है, वो वोट कौन लाता है? कैंडिडेट अकेले तो नहीं लाता, कार्यकर्ता लाता है। चाहे कैंडिडेट किसी ट्राइबल एरिया के जंगल में पहुंचे या ना पहुंचे, किसी नदी को पार करके किसी सेंटर में पहुंचे या ना पहुंचे, किसी शहर के स्लम एरिया में पहुंचे ना पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचता है, तभी ईवीएम मशीन में, हर ईवीएम मशीन में कांग्रेस का वोट होता है क्योंकि कार्यकर्ता जाके वो वोट मांगता है। सो इलेक्शन में हार जीत है, हमारा रिजल्ट महाराष्ट्र में अच्छा नहीं रहा, देश के कई प्रदेशों में अच्छा नहीं रहा, पर एक चीज आप लोग सोचिए कि महात्मा के हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। आरएसएस आज इतना बढ़ गई है डिस्पाइट बैनिंग, दिखता नहीं था आरएसएस एक टाइम पे, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद देखे तो सब आरएसएस है। तो साइलेंटली उन्होंने काम किया है। मैं मानती हूं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं,
अपने आइडियोलॉजी में जो जिनको आस्था है विश्वास रखते हैं आप लोगों में उनसे बहुत ज्यादा काबिलियत है 100% है. इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है. आजादी की जब लड़ाई कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ हम क्यों जीते? क्योंकि कांग्रेस का जो नेता था या जो कांग्रेस करता था उसने कहा था चाहे मेरे घर में चूल्हा जले या ना जले, चाहे मैं सालों साल जेल में रहूं, चाहे मेरे बच्चे पढ़े या ना पढ़े, चाहे मेरी बीवी से मुलाकात हो या ना हो और वैसा वैसा, मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा. दैट डिटर्मिनेशन अगर किसी में है तो वो कांग्रेस ही में है. इसलिए हम मेरा ये मानना है कि यू नो इन हिंदी आई डोंट नो हाउ टू से बट कांग्रेस इज इनहेरेंटली अ पार्टी ऑफ रेजिस्टेंस. ये हमारे खून में है, ये हमारे डीएनए में है कि हम वी आर अ पार्टी ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हमारे में रेजिस्टेंस की ताकत नहीं होती तो हम ब्रिटिश को भी भगा नहीं सकते थे. पर कई स्टेट्स में हम सत्ता में रहे, हम इंडिया में भारत सरकार में हमारी सत्ता रही तो हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदल गया. हम लीडर सेंट्रिक हो गए. कोई सांसद मंत्री विधायक आते थे तो पूरा कांग्रेस उठ के दौड़ता था. जब विधायक एमपी लोग चले जाते थे कांग्रेस ढूंढने बैठ जाते थे. बट नाउ बिलीव मी मैं मानती हूं कि कांग्रेस का मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं है पर अभी जो शुरू होने जा रहा है ये कांग्रेस वर्कर का गोल्डन ईरा है. प्लीज बिलीव मी इट इज योर गोल्डन ईरा. अब लोग ढूंढते हैं कि कौन कार्यकर्ता है भाई जो फील्ड में जाके मेरा वोट कलेक्शन करेगा. पहले वर्कर्स नेता उसके पास जाते थे कि सर हमने आपका काम किया. अब नेता ढूंढते भी मेरा वर्कर का है वोट पे कौन काम करेगा क्योंकि अब सत्ता में नहीं है. इट इज अ गोल्डन ईरा फॉर वर्कर्स. और मैं हर मीटिंग में किसी को छोटा करने के लिए नहीं कहती हूँ. मैं हर मीटिंग में कहती हूँ कि मैं खास करके इसको रिपीट कर रही हूँ कि पीसीसी के वर्किंग अध्यक्ष हमारे बीच में है. मैं किसी भी फ्रंटल किसी भी डिपार्टमेंट को चुनौती देती हूँ एज महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट. जितना कैडर महिला कांग्रेस में किसी और फ्रंटल में नहीं है. राहुल जी को भी कहा कि मौका दीजिए यूथ 35 साल से नीचे के लोगों को लाएं और मैं महिलाओं को लाऊंगी. मतलब बुजुर्ग नहीं बिठा देना यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई में. आप देखना महिला कांग्रेस का कैडर सबसे ज्यादा है. और मैं बताती हूँ क्यों है सबसे ज्यादा कैडर. क्योंकि ये मेरा मानना है ये नारी शक्ति ही है. आई एम नॉट अ सेक्सिस्ट. आई एम नॉट अ आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वुमेन. बट बिलीव मी त्याग करके कुछ ना पाने के बावजूद काम करने की फितरत और माइंडसेट अगर किसी में है तो वो महिला में है. तभी महिला प्लीज बिलीव मी. और मैंने पहले जब यहाँ आई थी मैंने यही कहा था कि भूल जाइए इस संगठन में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट है और कौन तालुका में जनरल सेक्रेटरी है. मैंने पहली बार भी कहा था और मैं फिर दोहरा रही हूँ. जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम टारगेट करेंगे अपना पद छोड़ के एक कांग्रेस के वॉलेंटियर के हिसाब से मेहनत करिए. कुछ दिनों के लिए भूल जाइए हमारे पास क्या पद है. बिलीव मी अगर हम ऐसा काम करना शुरू कर दें आरएसएस हमारे सामने नहीं टिक सकती, बीजेपी हमारे सामने नहीं टिक सकती. और कांग्रेस की जो लेगेसी है क्या है कि बीजेपी अपना झूठ क्यों फैलाने में सफल है आपको पता है? क्योंकि हम अपने लेगेसी को लोगों के सामने रख नहीं पा रहे. मैंने एक सभा में पूछा था किस किस के घर में पंडित नेहरू की तस्वीर राहुल गांधी जी और सोनिया जी का सब लगाते हैं घर में. अगर हमारे बच्चे ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब नहीं पढ़ी तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे? भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे. व्हाट इज हिज लेगेसी आप सोचो ना. राजीव गांधी जी ने कई वक्ताओं ने कहा विमेन्स रिजर्वेशन दिया. मोदी जी की दूसरी सरकार आ गई बहुमत की सरकार वो आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में. राजीव गांधी जी ने 1990s में ये उनकी सोच थी.
आपने देखा जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में, उसको फाड़ दिया गया था, उसको फाड़ दिया गया था, आपको पता है। पर राजीव जी ने 1990s में देखिए महिला आरक्षण लेके आए, आज 14 लाख महिलाएं पंचायती राज में है। मैं 15 सितंबर को महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, इंदिरा जी ने 15 सितंबर 1984 में महिला कांग्रेस को फुल फ्रंटल स्टेटस दिया था। मैं 15 सितंबर को सोनिया गांधी जी से परमिशन लेके एक मेंबरशिप ड्राइव करूंगी महिला कांग्रेस। हम प्राइमरी मेंबरशिप भी करेंगे कांग्रेस की, बिकॉज इट इज आर पेरेंट बॉडी, पर अ सॉर्ट ऑफ वॉलंटियर और समथिंग वी डू, क्योंकि हमें अपनी ताकत और कमजोरी का तभी पता चलेगा जब हम अपनी संख्या को परखेंगे। कई मैंने मीटिंग्स देखा है, कई मैंने मीटिंग्स देखी है, क्या देखी है मीटिंग में, एक कमरे में कोई भी अध्यक्ष 2-3-4-5 हजार महिला ला सकती है 4-5 घंटे के, कोई भी कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन मजबूत है। किसी जिले से तो 500 महिलाएं आ जाएंगी, किसी जिले में 5 भी नहीं है। तो मैंने चारू जी को कहा है और अपने एनओबीस को कहा है, आप हर डिस्ट्रिक्ट को ग्रेड कीजिए ए बी सी, जहां 70% या 80% अबव संगठन ब्लॉक तक है उसको ए ग्रेड कीजिए, जिससे 50% और 70% के बीच में ब्लॉक तालुकाएं हैं उसको बी ग्रेड कीजिए, जिसको 50% से नीचे है उसको सी ग्रेड कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे दिल्ली में बैठ के कि हमारा संगठन कहाँ कमजोर है और कहाँ उसमें ताकत है। जो कमजोर है, जो सी कैटेगरी में है, मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई नकली रिपोर्ट जाए। कई अभी आपने कहा थाने में शिवसेना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो थाने की टीम आए हैं, पर वहां पे मेहनती महिलाएं हैं, तो सी का मतलब ये नहीं है कि मेहनती महिलाएं नहीं है, कि हमारा संगठन वहां कमजोर है, कोई और कारण है, हम वहां पर ज्यादा ध्यान देंगे आपके, इसलिए है वो कैटेगरी। आप लोग आज इस कमरे में करीब 200-250 महिलाएं होंगी शायद, मैंने गिना नहीं। आप लोग सोचिए कि सबके पास कुछ ना कुछ पद है। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि सुबह से उठकर शाम तक सोने तक, जगने के बाद सोने तक, हम कई काम करते हैं उन 12 घंटों में, पर हम संगठन कितना घंटा करते हैं। हम संगठन में हैं पर हम रोज संगठन को वक्त नहीं देते। आज अगर यहाँ बैठी 200-150-250 जितनी भी महिलाएं कहे कि मैं अगर हफ्ते में 4 दिन 3 घंटे संगठन को दूंगी, आने जाने में भी आधा घंटा का लाइफ टाइम लगता है, बिलीव मी हमारे संगठन में इतनी संख्या और ताकत है कि हम किसी और राजनीतिक पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। खुद सोचिए, आज पार्टी ने, आप लोग वो है जो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, आज आप कांग्रेस में है, इसलिए मैं इस बात को आपके बीच में कह रही हूँ, क्योंकि आप समझेंगे कि आप वो लोग हैं जो बीजेपी में नहीं गए किसी पद के लिए, किसी नौकरी के लिए, पैसे के लिए या जेल जाने के डर से, आप लोग आज कांग्रेस में है, यू आर द रियल कांग्रेस। तो आप लोग सोचिए कि संगठन को आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं। टाइम देने का मतलब क्या है कि आज चलिए मैं अपने वार्ड में या अपने तालुका में या कहीं भी अपने जहां मैं रहती हूँ अपने पड़ोस में, आज मैं 20 लोगों से जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगती हूँ, चाहे वो दे या ना दे, वो भी संगठन का काम होता है। या मैं अपने संगठन की 10 महिलाओं को मेरे घर में चाय बुला के भी बुला के थोड़ा प्लानिंग करती कि किस तरह से कांग्रेस का वोट, संगठन जिस तरह से हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, संगठन भी उसी तरह रोज कम से कम 1-1.5 घंटा करता है। जब तक उस हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, जिस परिवर्तन की बात राहुल गांधी जी अपने रेजिग्नेशन लेटर में बोल रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। और ये आप क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पद के लिए नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश को खत्म कर रही है। 370 पे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं मोदी जी ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ,
अगर मैं आपके घर में घुस के आपको एक कमरे में बंद कर दूं और आपके आपका जो जमीन है, जो आपका घर है, उसके दो हिस्से कर दूं और आपको बोलूं कि बंद कमरे से आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक आप मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। अगर यही तरीके से देश को चलाना है तो इसको डेमोक्रेसी का नाम तो ना दें, ऑटोक्रेसी कह दीजिए। क्या मैं महाराष्ट्र के चार हिस्से कर सकती हूँ? महाराष्ट्र के नेतागण या इलेक्टेड प्रतिनिधि को बिना पूछे क्या मैं महाराष्ट्र के चार हिस्से कर सकती हूँ? कश्मीर 370 अस्थाई है, ये संविधान में लिखा है, पर तरीका आप सोचिए ना। सो ये इन चीजों से डरिए मत। जब अगर 90% लोग आज सोशल मीडिया पे कर रहे कह रहे बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर मेजॉरिटी लोग कह रहे बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ और कम संख्या के लोग कह रहे अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही और हम गलत हैं। अगर मेजॉरिटी व्यू से इस देश को चलाना है उसको मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कहते। डेमोक्रेसी वो होता है कि अल्पसंख्या के जो लोग हैं, जो उनका मत है, जो उनका व्यूज है, उसकी सुनवाई होती है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और जिस चीज पे आप विश्वास रखते हैं उससे मुकरना नहीं है। किसी ने मुझे पूछा कि आप बीजेपी में जाएंगी क्या, तो मैंने कहा तुम्हारी माँ अगर बीमार हो जाए तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे क्या? सीधी सी बात है, कठिन वक्त है, पर कांग्रेस वो पार्टी है जो बिना सत्ता के अगर देश हित में कोई लड़ाई कर सकता है तो वो कांग्रेस है। और आरएसएस वो है जिसने ब्रिटिश के पैर पड़ गई थी, उन्होंने देश हित में कभी काम नहीं किया। अपने आइडियोलॉजी को समझिए, सोचिए। कोई ज्यादा टॉयलेट बनाता है, कोई कम टॉयलेट बनाता है, कोई सी लिंक बनाता है, कोई कोस्टल क्या रोड बनाता है ना, कोई कम बल्ब बांटता है, कोई ज्यादा बल्ब बांटता है, जब अलग अलग सरकार आती है। पर हम में और उनमें अंतर क्या है? वो आइडियोलॉजी का अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो हम फिर पार में आएंगे, हम भी काम करेंगे, हमारा भी वक्त आएगा, पर टिक के अपने आइडियोलॉजी पे स्टैंड करना है, दैट विचारधारा पे स्टैंड करना है, वो देश के लिए बहुत जरूरी है, जो मेरे माँ का उदाहरण दिया। सो डट कर काम करना है। जब 2.5 महीने राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था, मैं जहां जाती थी लोग कहते थे क्या होगा, अध्यक्ष क्यों नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे, अध्यक्ष क्यों नहीं है। जब मैंने 100 बार ये सुन लिया, मैंने मुड़ के कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भगवान को भी बना दें, क्या वो जाके भूत से वोट लाएंगे? काम तो हमने करना है, मैंने करना है, चारू ने करना है, आपने करना है। सो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना कर्तव्य पालन करेंगे, हम तो अपना कर्तव्य पालन करेंगे। इट इज नॉट who's sitting in that chair, what are we going to do for that person who's sitting on that chair? चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो। पूरे पेपर में यही चलता रहा, गांधी नॉन गांधी, गांधी नॉन गांधी, और मैं कहती रही कोई भी उस कुर्सी में बैठे, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करे? और मेरा ये पूरा विश्वास है कि हम अगर मेहनत करेंगे। वक्त, ये जो फॉर्म मैंने बनाया, ये क्यों बनाया? क्योंकि पिछली बारी जब मैं आई, कई महिलाओं ने कहा कि हम बोले तो क्या बोले, हमारा मंत्र क्या है मैडम, क्या जाके बोलना है, कोई सुनने को नहीं तैयार। मैंने कहा जाओ उनकी समस्या पूछो। आप किसी को भी अभी रोड में जाके पूछेंगे ना, भैया आपने चार प्रमुख समस्या बोले, वो आपसे जरूर बोलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में सब बात करना चाहते। तो जाके पूछिए कि हमारी सरकार आएगी, हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, यही पूछना है, आसान काम है। एक और चीज मैं चारू जी से कह गई हूँ कि जो आप लोग आज तालुका में हैं, डीसीसी जिले में हैं, स्टेट बॉडी का लिस्ट मेरे पास है, सबका नाम और टेलीफोन नंबर चारू जी डिजिटाइज करेंगे। 84 से महिला कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पर
मुझे दुख है कि महिला कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेरी तालुका की प्रेसिडेंट कौन है, और जिस संगठन में ब्लॉक नहीं है वो संगठन कमजोर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 100-150 महिलाएं मिल जाती हैं, अगर ब्लॉक में महिला नहीं मिलेगी, तालुका में महिला नहीं मिलेगी, तालुका की प्रेसिडेंट जब तक स्ट्रांग नहीं होगी संगठन स्ट्रांग नहीं हो सकता। सो आई विल टेल चारू, आप स्टेट एग्जीक्यूटिव करें पर डिस्ट्रिक्ट जिले के अध्यक्ष को बोलिए महीने में एक मीटिंग करना है, तालुका के प्रेसिडेंट को बुलाना है। और चारू जी से मैं ये बार बार कहती हूँ, उन्होंने किया भी है, जब भी आप सभा करेंगे जो महिलाएं अच्छा काम करी, इस फ्लड में काम किया, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसके साथ भी वही बर्ताव और जो नहीं कर रहा उसके साथ भी वही बर्ताव, तो अच्छा काम करने वाले का क्या मोटिवेशन। तो अच्छे काम करने वाले को मंच में बिठाइए, सम्मान दीजिए, रिकग्निशन दीजिए, तभी दूसरा सोचेगा कि मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी शायद सम्मान मिले अगले मीटिंग। इसलिए डोर टू डोर पे जोर दीजिए। मैं मुजफ्फर साहब यहाँ है, थोड़ा सा हमें फायदा होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ मेरी कमेटी कमजोर है, चारों पूरी मेहनत करने की कोशिश करें, पर मैं आपसे ये विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि जहाँ मेरी कमेटी है कैंडिडेट बनने के बाद उनको काम पे लगाया जाए, दूसरी महिलाओं को काम पे ना लगाया जाए। जहां मैं कमेटी बना भी देती हूँ, मैं देखती हूँ कि प्रत्याशी जाके कई और महिलाओं को खर्चा देते हैं, उनको काम पे लगाते हैं, तो मैं ब्लॉक बनाऊं तो क्यों बनाऊं? इट्स अ फैक्ट, बेचारी कमेटी बनाती है, कागज पे लिखती है, टेलीफोन मीटिंग करते हैं, प्रत्याशी आके बाहर से किसी महिला को 300 रुपए पर डे दे के उनको काम पे लगा देते हैं, तो हम संगठन का दिल टूटता है। इसलिए आपने कहा अपने भाषण में कि आप हमारी मदद करेंगे, हम एवरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोऑर्डिनेटर देंगे, ताकि कहीं से अगर कंप्लेन आए तो वन स्टॉप शॉप होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये फेस किया है गुजरात में एंड राजस्थान में, मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। चारू जी को कहूँगी कि नेशनल ऑफिस बेरस को कहूँगी कि यहाँ पर किसी भी एक कमरे में महिला कांग्रेस का कंट्रोल रूम बने, का कंट्रोल रूम, क्योंकि चुनाव के बाद मेरे पास कंप्लेन जाते हैं कि आप प्लेस ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकती, कंट्रोल रूम बनाइए और काम करिए, मुझे आप सब पर 100% विश्वास है, और जम के मेहनत कीजिए, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है, जम के मेहनत कीजिए, कांग्रेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए, महिला कांग्रेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे चारू ताई को कहा है सबको महिला कांग्रेस का बैज दीजिए। ये फ्लैग के बारे में बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगी। जब राहुल मैं पहले अध्यक्ष बनी, मैंने राहुल जी को कहा हमें फ्लैग चाहिए, कहते फ्लैग का क्या करोगे तुम? मैंने कहा सर भीड़ कोई भी लाए, यूथ कांग्रेस और एसओ अपना झंडा लगा देती है, लगता है 10,000 लोग लेके आए हो। मेरी महिलाएं जो भीड़ में होती है, आप एसपीजी के साथ गुजर जाते हो, इससे पहले कि वो बोले नमस्कार मैं थाने जिले से आई हूँ, राव जी निकल जाते हैं, पता ही नहीं होता कि महिला कांग्रेस है कौन है। अच्छा एक सिंपल दोगे आपको भी दूर से दिखेगा कि महिला कांग्रेस की कितनी महिलाएं बैठी हैं, यू अंडरस्टैंड। इसलिए फ्लैग का कारण है कि महिला कांग्रेस आइडेंटिटी होना चाहिए, दिखनी चाहिए भीड़ में कि महिला कांग्रेस के लोग बैठे हैं। फ्लैग महंगा है मुझे पता है, इसलिए मैंने और भी आसान कर दिया, ये 5 रुपए या 3 रुपए का बैज है, इसको लगा के जाइए, दूर से दिखेगा कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता। सो योर आइडेंटिटी, मैं मेंबरशिप जब करूंगी आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान पार्टी में और बढ़ेगी, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और जिन्होंने टिकट मांगा है, मैंने चारुताई को कहा है कि थोड़ा जिससे आप मिले जाकर दिल्ली में, सिंधिया जी से मिलिए, खड़गे जी से मिलिए, हम लड़ेंगे एक साथ। पर टिकट मांगने का भी एक तरीका होता है, अगर टिकट मांगना है यू शुड नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेल, मैं महिला हूँ मुझे टिकट दे दीजिए, ये कोई टिकट मांगने का तरीका नहीं।
मैं 20 साल से कांग्रेस में हूँ, ये टिकट दे दीजिए, ये भी कोई टिकट मांगने का तरीका नहीं। यू शुड नो योर बूथ, आपकी विनेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी विनेबिलिटी होनी चाहिए, एंड यू शुड स्टडी योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसी जगह जाके मत टिकट मांगिए जहाँ कांग्रेस की कोई दिग्गज नेता है, क्योंकि आपको पता है हम उनको हटा नहीं सकते। सो आइडेंटिफाई अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर इट इज प्रैक्टिकल टू गिव समबडी अ टिकट, और हम आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। मैं लड़ाई तो लड़े भी हैं, पर चारू जी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि चारू जी जीत के आए, सब कह रहे थे चारू जी जीत के आए, बट शी डिड नॉट विन। आई एम वेरी सैड, आई ऑल्सो डिड नॉट विन, बट आई वॉज होपिंग कि चारू जीतने से हम सबका सर ऊंचा होता, पर कुछ ऐसी हवा थी कि सब लोग हार गए। बट शी इज हार्ड वर्किंग, वी आर प्राउड ऑफ हर, एंड हमें गर्व है कि चारू जी लड़ी चुका और संगठन मैं उन लोगों की ज्यादा इज्जत करती हूँ जो संगठन को वक्त देते हैं। चारू जी चाहती तो कोई भी पोस्ट लेके बैठ सकती थी गिवन हर फैमिली बैकग्राउंड, पर उन्होंने संगठन को वक्त दिया, उसकी इज्जत होनी चाहिए और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। इसलिए आप सब डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डजंट मैटर, वी डोंट हैव पावर, बट कांग्रेस विल कम बैक, पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुजफ्फर हुसैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्रिपल तलाक के बारे में कई महिलाओं ने रेस किए हैं इश्यूज को, लेकिन ट्रिपल तलाक यूट्यूब में जाके मेरा भाषण देखिए, मोदी जी को अखलाक की मानी दिखी, कत्ल हो गया था मीट के ऊपर, मोदी जी को अखलाक की मां नहीं दिखी, पहलू कान का परिवार नहीं दिखा, उनको ट्रिपल तलाक कानून लाके वो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रही। देखिए, शौहर और पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है, अगर शौहर उसको छोड़ना चाहे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे चला जाए, और मुस्लिम महिला के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 125 सीआरपीसी है, ये सब है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक में इसको क्रिमिनलाइज क्यों किया? मुस्लिम परिवारों को खुश करने के लिए नहीं, पर जो हिंदू लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं उनका मन खुश करने के लिए दिया है कि देखो मैंने मुसलमान महिला को ये दिया है। यू अंडरस्टैंड, उन्होंने हिंदुओं को अपीस करने के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेके आए हैं, और हिज एजेंडा इज वेरी क्लियर, वो महिला सशक्तिकरण उनका कोई एजेंडा ही कभी था भी नहीं और रहेगा भी नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 26 हफ्तों का छुट्टी दिया है गर्भवती महिला को, आपको पता है ना, तो 26 हफ्ते में जिसने नौकरी दी है उसको सैलरी देना है। तो जब 23 साल की एक लड़की नौकरी मांगने जाएगी, नौकरी देने वाला कारखाने का मालिक हो या किसी कंपनी का मालिक हो, वो तो लड़की को नौकरी देगा, कहेगा लड़की 23 साल की लड़की को नौकरी दूंगा, तो अगर वो उनके दो भी बच्चे होंगे तो कितने हफ्ते उनको सैलरी देना है। महिलाओं को नौकरी कम मिलने लग गई है इस कानून के, आप समझ रहे हैं ना, तो उनको वो दिखाने के लिए कानून पास करते, सोच के नहीं कानून पास करते। महिला सुरक्षा पे देखिए, उनके अपने विधायक ने उन्नाव में लड़की का बलात्कार कर दिया, और निर्भया पे वो इतनी बड़ी बड़ी भाषण दे गए मोदी जी, तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप लोग ग्राउंड पे रहिए, कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ रेजिस्टेंस, लोगों से क्या रिएक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आई मे नॉट बी एबल टू से, पर डट के मुकाबला करना, डट के मुकाबला करना है, और आप सबसे फिर मुलाकात होगी चुनाव के वक्त। मैं जरूर आऊंगी महाराष्ट्र में आप सबसे मिलने।